नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं जीके जीएस करंट अफेयर्स के डेली स्पीड टेस्ट का 10वां भाग। इसके पहले तकरीबन 9 भाग हमने कवर किए हैं, जिसमें डेली दोस्तों आपको 25 प्रश्न मिलते हैं। आपको 22 का कम से कम 22-23 का टारगेट लेकर चलना है, तभी दोस्तों आप अच्छे तरीके से माने जाएंगे। अगर आप पूरे प्रश्नों को लगाते हैं तो मैं आपको बहुत सारे प्रश्नों को याद भी करवाता हूँ। तो डेली सुबह 10 बजे इस चैनल के माध्यम से दोस्तों आपको ये प्रला जो स्पीड टेस्ट है वो दिया जा रहा है। दोस्तों इस क्लास का मेन उद्देश्य है कि रिवीजन के माध्यम से आपको प्रश्नों को याद कराया जाए, क्योंकि याद होना जीके बहुत जरूरी है। तो आप पूरे प्रश्नों को दोस्तों एक बार हल करने का प्रयास जरूर कीजिएगा और देखें कितने प्रश्न आपसे सही हुए। तो आप लास्ट में दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों ये क्लास कभी बंद नहीं होगी, बस आपको एक चीज़ करना है, वो है आपका सपोर्ट। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, कम से कम 2-3 कहीं भी। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन अगर ऑन कर लेंगे तो आपको सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेंगे, तो ऑल पे कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, मूल कर्तव्य का संबंध दोस्तों किस अनुच्छेद से है? देखिए, मैं आपको सारे अनुच्छेद धीरे धीरे याद करा चुका हूँ। जैसे आर्टिकल नंबर 72 दोस्तों के संबंधित है, तो ये राष्ट्रपति के क्षमादान से संबंधित है, ठीक है। 19 जो ए है दोस्तों, ये क्या करता है, ये बोलने की आज़ादी देता है, ठीक है। और दोस्तों 51 ए, यही हमारा है मूल कर्तव्य, जो कहाँ से लिया गया है, तो ये रसिया से लिया गया है। और दोस्तों आर्टिकल नंबर 75 दोस्तों क्या है, दोस्तों भारत का प्रधानमंत्री आपका इसी में हो जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो थे मैंने आपको लगभग बता दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तारापुर दोस्तों किस लिए प्रसिद्ध है? बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ है। भारत का जो परमाणु ऊर्जा स्टेशन है, जिसका संचालन शुरू हुआ था 1969 में, ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों एटॉमिक पावर प्लांट है, ए ग्रेड हो जाएगा। तो एक तो आपको तारापुर याद रखना है, और तारापुर दोस्तों ये पावर प्लांट कहाँ पर है, तो दोस्तों ये महाराष्ट्र में है, जहाँ पे एकनाथ शिंदे तत्कालिक सीएम है। एक दोस्तों आपका आता है रावत, ठीक है, रावत भाटा दोस्तों कहाँ पर है, तो ये राजस्थान में हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। और एक दोस्तों आपका आता है कुडनकुलम, ठीक है, एक आता है कुडनकुलम, ये दोस्तों कहाँ पर है, तो ये तमिलनाडु में हो जाएगा, ठीक है। और एक आता है आपका काकरापार, बहुत बार क्वेश्चन आया है काकरापार कहाँ पर है, तो ये आपका गुजरात में हो जाएगा काकरापार, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाता है कैगा, तो कैगा दोस्तों कहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कर्नाटक में। और एक लास्ट जो पूछा जाता है नरोरा, तो नरोरा अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, तो ये आपका यूपी में है। और एक और देखिए कल्पक्कम, सारे मैंने आपको बता दिया ना, कल्पक्कम दोस्तों कहाँ पर है, तो ये भी आपका तमिलनाडु में है। ये सारे जो है एटॉमिक पावर प्लांट स्टेशन पूछे जाते हैं हर बार, कहाँ है ये चीज़, तो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट तक पूरा देखिए और बताइए कितना प्रश्न आपने किया। चौसा का युद्ध दोस्तों कब हुआ, युद्ध से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। तो चौसा का दोस्तों ये जो युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1539 में हुआ था, ठीक है, 1539 में। बाकी आपका पानीपत, देखिए P1, P2, P3 तो मैं आपको एकदम याद करा चुका हूँ, इसके आसपास का भी। P1 हुआ था आपका 1526 में, P2 हुआ था आपका 1556 में, P3 हुआ था 1761 में। इसके बाद आपका वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 1760 में। इसके बाद आपका बक्सर का युद्ध दोस्तों कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1764 में, ठीक है, तो ये भी आप याद करते चलिए। कन्नौज का दोस्तों युद्ध कब हुआ था, बिलग्राम या कन्नौज, मैंने आपको पहले ही बताया था, तो दोस्तों ये हुआ था आपका 1940 में हुआ था कन्नौज का युद्ध 19। तराइन भी आप लोग को याद ही होगा अच्छे से ना, तो तराइन फर्स्ट याद कर लीजिए और तराइन सेकेंड, तो ये 1191 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 1192 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला दोस्तों कहाँ पर स्थित है, भौतिक प्रयोगशाला दोस्तों ये हो जाएगा आपका नई दिल्ली में। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला दोस्तों कहाँ पर है, तो ये नई दिल्ली में हो जाएगा। लोधी वंश का दोस्तों प्रथम शासक कौन था, जी हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिए हो जाएगा बहलोल लोधी। जैसे बहुत सारे ऐसे राजवंश हैं जिनसे प्रश्न आए हुए हैं, जैसे आपसे अगर आपसे पूछा जाएगा मौर्य वंश, ठीक है, तो मौर्य वंश जो है इसके जो संस्थापक कौन थे, तो दोस्तों ये कौन थे, तो ये थे आपके देखिए चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक थे, ठीक है। और इसका अंतिम सम्राट कौन था, ये भी आपसे क्वेश्चन आता है, तो दोस्तों ये था आपका बृहदर्थ, ये अंतिम था, ये लास्ट सम्राट था, और इसके संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाएगा गुप्त वंश, तो गुप्त वंश के संस्थापक अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों तो कौन थे, तो ये थे चंद्रगुप्त प्रथम जो थे गुप्त वंश के संस्थापक दोस्तों माने जाते हैं, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाएगा गुप्त वंश का सबसे महान शासक, अंतिम शासक दोस्तों कौन था, तो दोस्तों वो था स्कंदगुप्त। कौन सा था, स्कंदगुप्त। तो यही सारे प्रश्न आपसे बार बार इस तरह से पूछे जाते हैं। फिलहाल लोधी उनका प्रथम शासक कौन था, तो बहलोल लोधी हो जाएगा। देखिए रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार दोस्तों ये जो दिया गया, ये किसे दिया गया,
दोस्तों ये जो दिया गया वो दिया गया पंकज कुमार चटर्जी को दिया गया, उनकी उपन्यास थी स्टालिन काउच, बंगाली अनुवाद दिया था उन्होंने, उसी के लिए दोस्तों स्पेशली दिया गया था। तो ये करंट अफेयर से प्रश्न है, याद रखिए। एक क्वेश्चन और आता है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से, लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से दोस्तों किसे सम्मानित किया गया? तो ये दोस्तों प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट की श्रेणी में है और सही आंसर हो जाएगा, देखिए प्यारे लाल शर्मा, ए इज द राइट आंसर, प्यारे लाल शर्मा को दोस्तों दिया गया। संगीतकार हैं तो कला में उनके योगदान के लिए लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का हृदय दोस्तों किसके द्वारा किसको कहा गया है? ये तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा गया, मतलब हम लोग कह रहे हैं आर्टिकल नंबर 32 की बात कर रहे हैं ना, 32 को देखिए कहा गया है ना, आर्टिकल नंबर 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला देखिए, इंपीरियल बैंक का दोस्तों जो पुराना नाम था वो क्या था? तो आपको मैं बता दूं, इंपीरियल बैंक का दोस्तों जो पुराना नाम था वो था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ना इंपीरियल बैंक का सबसे पुराना नाम था। अगला क्वेश्चन देखिए, झारखंड के दोस्तों फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं, पहले बने थे जेल गए फिर आए फिर बन गए, दोस्तों ये हैं हेमंत सोरेन। अच्छा पुष्कर धामी दोस्तों कहाँ के हो जाएंगे? तो दोस्तों ये हो जाएंगे आपके उत्तराखंड के। शिवराज सिंह चौहान अब हमारे तत्कालिक जो हैं कृषि मंत्री हैं, और ये पहले कहाँ के थे? एमपी के थे, और एमपी के तत्कालिक सीएम कौन है? तो ये हैं मोहन यादव। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है दोस्तों? तो ये हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। एम के स्टालिन दोस्तों कहाँ के हैं? तो तमिलनाडु, तमिलनाडु के दोस्तों हो जाएंगे आपके एम के स्टालिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के देखिए नए मुख्यमंत्री बने हैं, मैं आपको एकदम पूरा याद करवा चुका हूँ और ये भी आपको याद होगा। तो राजस्थान देखिए हो जाएंगे आपके भजन लाल शर्मा, यही हो जाएगा। प्रेम सिंह तमांग कहाँ के हो जाएंगे? तो दोस्तों ये हो जाएंगे आपके सिक्किम के हो जाएंगे। नेफ्यू रियो दोस्तों कहाँ के हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे आपके नागालैंड के, ठीक है। भूपेंद्र पटेल दोस्तों कहाँ के हो जाएंगे? तो दोस्तों हो जाएंगे आपके गुजरात के। अच्छा राजस्थान के अगर गवर्नर का नाम अगर आपसे पूछा जाएगा तो दोस्तों इनका नाम हो जाएगा हरिभाऊ, हरिभाऊ ना राजस्थान के, हरिभाऊ किशन राव वागड़े, हरिभाऊ किशन राव वागड़े। कालिदास दोस्तों किस काल के कवि थे? जी हाँ, कालिदास जो थे वो गुप्तकालीन कवि थे, सी इज द राइट आंसर ना। पहली शताब्दी ईसा पूर्व में संस्कृत भाषा के महान कवि नाटककार थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत से उन्होंने पौराणिक कथाएं दर्शन बहुत सारी रचनाएं उन्होंने की हुई हैं। महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण दोस्तों किस वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था? तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पल्लव वंश, करेक्ट आंसर हो जाएगा पल्लव वंश। चूंकि राजवंश प्राचीन दक्षिण भारत का राजवंश था, चौथी शताब्दी में इसने कांचीपुरम राज्य को स्थापित किया था, 600 वर्ष तमिल और तेलुगु राज्यों में इन्होंने राज किया था, ठीक है। तो पल्लव वंश यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से दोस्तों संबंधित है? तो नागरिकता संबंधित है आपका अनुच्छेद 5 से 11, ठीक है, 5 से 11 देखिए आपका नागरिकता संबंधित है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है? जी हाँ दोस्तों सही आंसर की अगर हम बात करें तो हमारे मौलिक अधिकार, और दोस्तों ये हमारे किस में आते हैं? तो आर्टिकल नंबर 12 से 35 में दोस्तों आते हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था दोस्तों कि राज का नीति निदेशक जो तत्व है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आप याद रखेंगे, ये दोस्तों लिया गया है आपका आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। सिनेनाग दोस्तों किस धर्म की आराधना स्थल थी, मतलब यहाँ पे लोग पूजा करते थे? तो देखो सिनेनाग देखिए यहूदियों का था, जो कि यहूदी मंदिर थे उनके प्रार्थना स्थल थे, ठीक है, बहुत विशाल गृह था वहाँ पे लोग प्रार्थना करते थे, तो यहूदी से हो जाएगा इसका। सोयाबीन, यहाँ पे देखिए आपका प्रश्न है कि सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश दोस्तों कौन सा हो जाएगा? सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश की बात की जा रही है, तो दोस्तों यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे ज़्यादा। अगर हम बात करें कि हमारा भारत, तो सबसे बड़ा उत्पादक देश दोस्तों यहाँ पे दूध का उत्पादन करता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। हमारा भारत देखिए बाजरे का पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। अगर हम बात करें सबसे बड़ा उत्पादक ये जूट का भी करता है ना, हम बस भारत की बात करेंगे क्योंकि भाई यहाँ पे है जूट का, कह लीजिए अदरक, अदरक उत्पादन में भी भारत सबसे ऊपर है, सबसे नंबर वन पे है। अगर केला पूछा जाएगा तो केले के उत्पादन में भी दोस्तों सबसे ऊपर है, और आम मैंगो दोस्तों आमों के उत्पादन में भी भारत को कोई भी पीछे आज तक नहीं छोड़ पाया है। साथ ही देखिए प्याज जो हो जाएगा आपका, कह लीजिए पपीता कह लीजिए, ये सब और कोई देश नहीं उगा पा रहा, सबसे ज़्यादा भारत है। दाल का भी देखिए सबसे बड़ा उत्पादक है ये नींबू, नींबू का भी देखिए सबसे बड़ा उत्पादक हमारा भारत है। चाय का हालांकि दूसरा हो जाएगा ना, क्योंकि चाय का देखिए चीन जो है पहले नंबर पर है, फर्स्ट नंबर पर है चाय का, और चाय दोस्तों भारत जो है दूसरे स्थान पर हो जाएगा। गन्ना का भी दूसरा स्थान पर हो जाएगा, क्योंकि गन्ना का देखिए ब्राज़ील जो है गन्ना, गन्ने में भी देखिए सेकंड पोजीशन पे हो है, गन्ने में भी सेकंड है और आपका चाय में भी सेकंड है, क्योंकि चाय में चाइना पहले नंबर पे है, गन्ना देखिए दक्षिण अफ्रीका सॉरी ब्राज़ील। नाथुला दर्रा दोस्तों किस राज्य में स्थित है? जी हाँ नाथुला दर्रा, जलेपला दर्रा, तो सिक्किम इस क्वेश्चन में बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उत्तराखंड का दोस्तों माना
नीति लिपुलेख, ठीक है, तीन याद रख लीजिएगा। हिमाचल का देखिए रोहतांग, ठीक है, बारालाचा, ठीक है, ये हो गया आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री का नाम आपको मैंने बता दिया था, प्रेम सिंह तमांग। उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी। हिमाचल प्रदेश के कौन है, सुखविंदर सिंह सुक्खू। मणिपुर के कौन है, तो नेफ्यू रियो, सॉरी नहीं, मणिपुर के आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा क्योंकि यहाँ के रिसेंट चुनाव में बदले गए हैं, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया आपको। चलिए बताइएगा, बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो अगर मैं आपको बताऊं तो सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और दोस्तों यहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री का नाम क्या है, तो ये हो जाएंगे पेमा खांडू, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है आपका बोमडिला दर्रा। चलिए, हरित क्रांति का दोस्तों सबसे ज्यादा प्रभाव किस फसल पे पड़ा था? बहुत सारे ऐसी क्रांतियों से प्रश्न आते हैं ना, तो बी से हो जाएगा देखिए आपका गेहूं इज द करेक्ट आंसर, गेहूं। हरित क्रांति का संबंध दोस्तों किससे है, तो ये देखिए खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो श्वेत क्रांति है दोस्तों इसका संबंध किससे था, तो दोस्तों दुग्ध उत्पादन से संबंधित था ना, दुग्ध उत्पादन से संबंधित था। नीली क्रांति अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, तो ये आपका मत्स्य, ठीक है, मत्स्य उत्पादन से संबंधित था नीली क्रांति। भूरी क्रांति भी आपसे पूछा जाता है, भूरी क्रांति दोस्तों ये किससे संबंधित है, तो दोस्तों ये आपका उर्वरक से संबंधित था भूरी क्रांति। चलिए याद रखिएगा, इंकलाब जिंदाबाद ये नारा दोस्तों किसके द्वारा दिए गए हैं, तो दोस्तों ये भगत सिंह के द्वारा दिया गया था, सी से हो जाएगा ना, इंकलाब जिंदाबाद। वंदे मातरम अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, तो ये वंदे मातरम जो दिया गया था ये दिया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा दोस्तों दिया गया था, चट्टोपाध्याय, सॉरी भारत छोड़ो महात्मा गांधी ना, जय हिंद देखिए किसके द्वारा कहा गया था, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दोस्तों आपका जय हिंद कहा गया था, करो या मरो महात्मा गांधी के द्वारा देखिए कहा गया था। हाल ही में किसको आईसीसी के दोस्तों नया अध्यक्ष चुना गया है, तो दोस्तों जी हाँ, जयशाह जो पहले बीसीसीआई के भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी थे, वो तत्कालिक आईसीसी के जो कि प्रेसिडेंट चुने गए हैं दोस्तों, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। और अगर आपसे पूछा जाएगा आईसीसी को स्टैब्लिश कब किया गया था, तो 1909 में, और बीसीसीआई को स्टैब्लिश कब किया गया था, सन 1928 में से स्टैब्लिश किया गया था। आईसीसी का हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ पर है, तो दुबई में आपका हो जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2023 में लता मंगेशकर पुरस्कार दोस्तों दिया गया, ये किसे दिया गया, तो इनका नाम था दोस्तों के एस चित्रा, बी इज द राइट आंसर, के एस चित्रा को दोस्तों ये पुरस्कार दिया गया था, लता मंगेशकर पुरस्कार, और ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया था सितंबर महीने में। अगस्त 2024 दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय कानू कहाँ पर दोस्तों खोला गया, तो अगर आप कानू के बारे में जानते होंगे तो कर्नाटका आंसर कर देंगे इस क्वेश्चन में, आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री का नाम तो मैं आपको याद करा ही चुका हूँ, लेकिन फिर से मैं बताऊंगा, क्योंकि बार बार बताऊंगा तभी आपको याद होगा, सिद्धारमैया हो जाएगा। केरल के दोस्तों कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे पिनाराई विजयन, पी विजयन। तमिलनाडु के दोस्तों कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे एम के स्टालिन। तेलंगाना के दोस्तों कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे रेवंत रेड्डी, याद रखिएगा। चलिए अब कमेंट करके फटाफट बताइए कि 25 प्रश्न में कितने प्रश्न आपने सही किए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करते रहिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे तो सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।